इस वीडियो में पूरा लाइव डेमो प्रोसेस बताएंगे कैसे आप लोग सी एस डब्ल्यू टी मई ट्वेंटी फोर के लिए रजिस्ट्रेशन इस वीडियो को देखने के बाद CSWT सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये भी बताएंगे फ्री में बुक कैसे आएगा तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए अगर आप लोग मई ट्वेंटी फोर में एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सी एस कोर्स के पहले लेवल को बोलते हैं सी एच डब्लू टी जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मई ट्वेंटी फोर का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे चैनल चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सी एस रिलेटेड एक भी अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो सी एस डब्ल्यू टी मई ट्वेंटी फोर की रिगार्डिंग एक भी डाउट आने नहीं देंगे तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक बार फिर से बोल रहे हैं स्टूडेंट सी एस डब्ल्यू टी मई ट्वेंटी फोर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और आखिरी डेट है पंद्रह अप्रैल दो हजार चौबीस अगर आपको मे 24 का सी एस डब्ल्यू टी का एग्जाम देना है तो 15 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप आज के भी डेट में कर सकते हो लेकिन 15 अप्रैल 2024 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सी एस कोर्स के जो पहला लेवल होता है सी एच डब्ल्यू टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है इसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करना होता रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो सारा अपडेट आपके मेल पे भेज देगा आईसीएस और बाकी मैं हूँ ही आपको सारा इन्फॉर्म करने के लिए यूट्यूब के थ्रू साथ में टेलीग्राम चैनल के थ्रू चार्ट स्टडीज के इसमें कौन से स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं या या तो तो पास आउट हो या हो अपियरिंग तो वो लोग इस एग्जाम में अपियर किनको सी एस डब्ल्यू टी का कोर्स एग्जाम सी एस डब्ल्यू से पहले सी एस फाउंडेशन होता था अब सी एस फाउंडेशन होता नहीं है उसी के जगह पे सी एस डब्ल्यू होने लगा लेकिन अगर आप सी एस फाउंडेशन पास आउट हो तो आप सीधा सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो दूसरा ये है कि अगर आप सी बन गए हो या सीएमए बन गए हो देन आप सीधा सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो डायरेक्ट इंट्री के थ्रू इसके अलावा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स से तो भी आप सीधा सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो डायरेक्ट इंट्री के थ्रू आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा कि किनको एग्जाम होगा अब बात कर लेते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना एग्जाम कब होगा एग्जाम ऑनलाइन देना होगा सारा चीज इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आप लोग तो रजिस्ट्रेशन कर लो ये वीडियो को देख कर जब आप पेमेंट कर दोगे ना पूरा पेमेंट उसके बाद क्या करना है पंद्रह से बीस दिन मैक्सिमम एक मंथ वेट करना है मॉड्यूल फ्री में आपके घर पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कुछ करने का जरूरत नहीं है एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक सो डोंट वरी इसके बाद क्या करना है जैसे आप स्कॉल डाउन करके नीचे आओगे ना आपके मन में डाउट आ सकता है ना सी मई डॉलिटी मे ट्वेंटी फोर का एग्जाम कब होने वाला है तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे चार मई दो हजार चौबीस को आप लोगों को एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप लोग अपियर कर सकते हो एक बार फिर से बोले जो की एमसीक्यू बुकलेट होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद तीस दिन के अंदर में आपके घर पे आएगा में इसके लिए कहीं पे कोई ऑर्डर करने का जरूरत नहीं है अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोग सी एच डब्ल्यू टी के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे नवंबर एंड ऑनवर्ड से न्यू सिलेबस में एग्जाम हो रहा है जो कि आप लोगों को पता है और नहीं होगा तो इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा एग्जाम कैसे देना जितना सारा डाउट आपके मन में आ रहा होगा ना वो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा डाउट आ सकता है कि जनवरी 24 के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या अभी तो जिसका जवाब है जी नहीं अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मे 24 के लिए तो एक वार्निंग है स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो क्या वीडियो तो देख लोगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे जिससे क्या होगा कि आपको अपडेट अनाउंसमेंट एडमिट कार्ड कब आ रहा है मॉक टेस्ट कब हो रहा है एग्जाम कब हो रहा है एग्जाम कैसे देना ये सब चीजें पता नहीं चलता जिससे होता क्या कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम मिस कर देते हैं ये गलती आप ना करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए देखो हम लोग का क्या नेचर है रील्स वीडियो फालतू फालतू वीडियो देखना डांस वीडियो देखना उन लोग को फॉलो करना सब्सक्राइब करना जो कैरियर का बात है उस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के एग्जाम देने तक आपको सी का कोई भी दिक्कत आने नहीं देगा चार्टेड स्टडी सबसे पहले बता देते सी एस डब्ल्यू टी स्टडी मटेरियल आईसीएसआई सर्च करोगे तो स्टडी मैट आ जाएगा यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में और अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वैसे डाउनलोड करने का स्टडी मैट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके भी आप स्टडी मैट को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट और हाँ स्टूडेंट्स जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे पेमेंट करने के बाद 20 से 30 दिन वेट करना उसके बाद ऑटोमेटिक स्टडी मैट आ जाएगा एमसीक्यू बुकलेट आपके घर पे आ जाएगा इसके लिए कुछ भी नहीं करना न्यू सिलेबस कैसे क्या रहेगा आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है ये पेपर टू पेपर थ्री क्या रहेगा पेपर टू में ए बी पार्ट पेपर थ्री में भी ए बी पार्ट पेपर फोर में भी ए बी पार्ट और पेपर वन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ बिजनेस कम्युनिकेशन पचास पचास नंबर का हर एक सब्जेक्ट एमसीक्यू में एग्जाम होगा इसमें मार्किंग नहीं होगा यानी कि सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए आपको 40 और ओवरऑल एग्रीगेट पास करने के लिए आपको फिफ्टी परसेंट तो दो सौ में कितना मार्क्स आये सौ सौ नंबर आएगा तो भी पास कर जाओगे सौ या उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए तो जाकर के आप ये एग्जाम में पास करोगे और हर एक सब्जेक्ट वाइज भी पास होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में फोर्टी मार्क्स होना ही चाहिए ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है ऑफलाइन नहीं आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है मोबाइल फोन और डेस्कटॉप पे ये एग्जाम में एक्जाम नहीं कर सकते तो मैं कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे साथ में रजिस्ट्रेशन कैसे करना सीएस कोर्स में ये भी लाइव डेमो प्रोसेस बताएंगे पूरा गाइडेंस भी देंगे वीडियो में सी बनने के लिए तीन लेवल के एग्जाम को क्लियर करना होगा पहले को बोलते हैं सी एस डबलिटी सेकंड लेवल को सी एस एग्जीक्यूटिव और थर्ड लेवल जो की फाइनल सी प्रोफेशनल बोलते हैं पहला जो लेवल होता है सी एग्जाम जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है ये एग्जाम को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से दे सकते हो अपने घर बैठे मोबाइल फोन टैब से इस एग्जाम में अपियर नहीं कर सकते इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास लैपटॉप या नहीं तो डेस्कटॉप होना चाहिए तभी इस एग्जाम में अपियर कर सकते हो नेक्स्ट जो लेवल होगा सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी प्रोफेशनल का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा ऑफलाइन देना होता है बट पहला लेवल जो की बोलते हैं सी इसका एग्जाम ऑनलाइन होता है सी एस कोर्स के फर्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं सी एस डब्ल्यू साल में चार बार होता है जनवरी मई, जुलाई और नवंबर जनवरी 2023 का एग्जाम हो चुका है मई का भी एग्जाम हो चुका है जुलाई का भी एग्जाम हो चुका है बट आप लोग रजिस्ट्रेशन किसके लिए कर रहे हो नंबर के लिए या जनवरी के लिए नहीं मई 24 के लिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन तो अपडेट हो होता है वो मैं चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ तो आप लोगों को टेलीग्राम पे जाना है सर्च करना है चार्टेड स्टडीज और चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इसके अलावा मुझसे बातें करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो चार्टेड स्टडीज का इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हो यो का रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आईसीएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना

देखो आपका जो भी फोटो होगा मोबाइल से स्कैन करके इसको अपलोड करना होता है सिग्नेचर के लिए आप ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर कर दोगे उसके बाद स्कैन करके अपलोड करना होता है ये सब चीज आप पीडीएफ या जेपीजी में अपलोड कर सकते हो बट इसका साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट का फोटो इसके बीच में होना चाहिए बीस के बी से लेकर के पचास के बी के बीच में और सिग्नेचर का फाइल साइज होना चाहिए दस के बी से लेकर के बीस के बी के बीच में नीचे में आपको शो कर रहा होगा प्रोसीड टू सीसेट रजिस्ट्रेशन आपको उस पर क्लिक कर देना जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हो यहाँ पे फिर से आपको अलर्ट कर रहा है तो आप इस पे टिक करके आए का प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो बोल रहा है कि आपके पास ये सारा चीज होना चाहिए तो इसपे टिक कर देना और आगे का प्रोसेस पे कंटिन्यू कर देना जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड टू सीसेट रजिस्ट्रेशन आपके सामने ये डैशबोर्ड शो करेगा सबसे पहले आप लोगों से क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा अगर आप 10+2 प्लस टू पास आउट हो तो टेन प्लस टू पास पे क्लिक कर देना या 10+2 प्लस टू के पास आउट के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो तो उस पर क्लिक कर देना या अभी आप ट्वेल्थ में अपियरिंग हो तो इसपे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो इसके बाद आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर लिखना अगर आपके पास होगा तो ठीक है अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो इसके बाद आपको टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है टाइटल को जब सेलेक्ट कर लोगे इसके नीचे आओगे इसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है अगर आपके पास मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिखना और लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम लिखना अदरवाइज ये सबको स्किप कर सकते हो इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है आप ओबीसी में आते हो या एस सी में आते हो जो भी कैटेगरी में आते हो उसको सेलेक्ट करके आए का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सही सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करोगे इसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है मोबाइल नंबर लिखने, लिखने। के बाद नीचे में री इंटर मोबाइल नंबर कर दो देखो आप लोग ऐसा मोबाइल नंबर देना जो कि आप हमेशा अपने पास रखो ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए इसके बाद आपको अपना ई मेल देना है और ई मेल भी ऐसा देना जो पूरी लाइफ अपने पास रख सको और इसके नीचे में एक बार फिर से री इंटर ई मेल लिख देना अब इसके बाद जो भी नियर एग्जाम सेंटर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है और आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा सो डोंट वरी इसके नीचे में आपको अपना एड्रेस लिखना होता है एड्रेस पूरा सही सही फिल करोगे आप लोग एड्रेस लाइन वन में डिटेल लिखोगे, लिखोगे थ्री में लिखोग, लिखोगे लिखोगे पूरा डिटेल अपना एड्रेस जो भी आपका घर का एड्रेस होगा वो एड्रेस को यहाँ पे लिख दोगे कंट्री को सेलेक्ट करना फिर स्टेट को सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना फिर जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी सेलेक्ट कर लेना और नीचे सबसे नीचे में है पोस्टल कोड आपका जो भी एरिया का पिन कोड होगा वो एरिया का पिन कोड यहाँ पे लिखोगे ये सब कुछ इजी प्रोसेस है जैसे ही पिन कोड यहाँ पे लिखते हो साइड में आपको नेक्स्ट का बटन होगा उस पर आप लोग क्लिक कर देना आपके सामने यूनिक रिक्वेस्ट आईडी आया है इसको आप लोग नोट कर लेना वैसे आपके मेल पे आया होगा ये यूनिक आईडी काम आएगा अगर इनकेस बीच में रजिस्ट्रेशन को रोकना होता तो ये यूनिक आईडी काम होता इसी से आप लिख करके आये का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आय का प्रोसेस को कंटिन्यू करना है अब आपसे सबसे पहले पूछा है क्या आपको आईसीएसआई का क्लास चाहिए सीसे के लिए नोमिनल फीस में अगर आपको चाहिए तो यस अदरवाइज नो पे पेलेक्ट कर देना तो आपको सीसेट के लिए पेमेंट करना होगा पंद्रह सौ रूपया इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पेमेंट करोगे जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये डैशबोर्ड शो होगा आपको यहाँ पे खुद का फोटो सिग्नेचर खुद का अपलोड करना पड़ेगा तो आप लोग इसको अपलोड कर देना और नीचे में आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल को अपलोड करना होगा ये सब अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपने जो भी फिल किया होगा आपके सामने स्क्रीन पे आ गया आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है इसके बाद आपको कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है जैसे ही आप लोग कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो इसके बाद वो पेमेंट डैशबोर्ड पे ले जाता है आपको पेमेंट कर देना है जैसे ही आप लोग पेमेंट करोगे वैसे आपकी जानकारी के लिए बता हैं पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन है आपको जो ऑप्शन सही लगे इस तरीके से आप पेमेंट कर देना पंद्रह सौ का जैसे ही आप लोग पेमेंट करोगे कुछ दिन वेट कर लेना आपको मेल आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म का सेवन वर्किंग डेज वेट कर लेना आपको रजिस्ट्रेशन कन्फर्म का मेल मैसेज आ जाएगा जैसे ही आप लोग पेमेंट करोगे पेमेंट करने के बाद तीस दिन वेट करना तीस दिन के अंदर में एमसीक्यू बुकलेट आ जाएगा और पेमेंट जैसे ही करोगे ना उसी समय आपके पास एक यूनिक आईडी नंबर आएगा उसको संभाल करके रखना अपने पास मान लेते हैं पेमेंट करने के बाद आप अगर आपके पास यूनिक आईडी नंबर नहीं आता है तो 24 से अड़तालीस घंटा वेट कर लेना आ जाएगा आपके पास यूनिक आईडी नंबर आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे एक बार फिर से बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने का मी ट्वेंटी के लिए आखिरी डेट है पंद्रह अप्रैल दो उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और एग्जाम कब होने वाला है चार मई दो को इसके आसपास आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा का, मॉक टेस्ट के बारे में अपडेट आएगा सारा अपडेट यूट्यूब एकमात्र ऐसा चैनल है जो सी कोर्स के रिलेटेड करता है अपडेट तो आपको अभी से चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सीएस रिलेटेड एक भी अपडेट मिस ना हो पाए साथ में मुझसे बातें करना चाहते हो कोई भी एडिशनल डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज